हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले तो आप जाकर उसको देखिए तभी आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं प्रेफरेंस के देखो बेसिकली हम टू कंटेक्ट में पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस टू द कंपनी क्या है एंड एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर्स क्या होते हैं चलिए लेट स्टार्ट एडवान कंपनी देखो प्रेफरेंस अंबर ऑफ एडवांटेजेस टू द कंपनी जिसमें से एक आता है आपका पॉपुलर अमंग लेस एडवेंचरस इन्वेस्टर्स देखो क्या कहते हैं बाई इशूंग प्रेफरेंस शेयर द कंपनी कैन एक्वायर कैपिटल फ्रॉम दोज पर्सन हु आर एवर्स टू टेक रिस्क एंड प्रेफर बट लो प्रेफर लो बट फिक्स्ड रिटर्न ऑन देर इन्वेस्टमेंट मतलब ये क्या कहता है कि कंपनी ऐसे लोगों से भी अपने कैपिटल एक्वायर कर लेती है जो कि रिस्क को उठाने से डरते हैं ठीक है थीके? और वो चाहते हैं कि उनको एक रेगुलर इनकम हो चाहे वो कम हो चलेगा बट एक रेगुलर बेसिस पर उनकी इनकम होनी चाहिए सेकेंड आता है परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स देखो लाइक द इक्विटी कैपिटल कंपनी कैन यूज प्रेफरेंस कैपिटल अंटिल द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी जिस तरह आप इक्विटी शेयर को इक्विटी कैपिटल को यूज करते हैं टिल द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी आप सिमिलर मैनर में कंपनी की प्रेफरेंस कैपिटल को भी यूज़ कर सकते हैं इवन

लाइक द इक्विटी शेयर द कंपनी नीड नॉट मोटगेज एसेट्स फॉर द इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिस तरह में जिस तरह से कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए उन्हें कोई भी मोटगेज नहीं करना होता अपने एसेट्स को इन अ सेम मैनर प्रेफरेंस शेयर में भी आपको ऐसा नहीं करना तो कंपनी के पास एसेट्स रिमेन्स होते हैं फ्री और वो कहीं भी उसको मोटगेज कर सकते हैं किसी और सोर्स से फाइनेंस को रेज करने में एंडस द कंपनी रिमेन्स फ्री टू मोटगेज इट्स एसेट्स फॉर द इश्यू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स फोर्थ वन इज बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिंस द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्सड इट अनेबल्स द कंपनी टू टेक द बेनिफिट ऑफ लीवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जैसे हम जानते हैं देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब मिलता है जब आप इक्विटी के साथ कुछ ना कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली कोई मतलब इशू करते हैं जैसे आप डिबेंचर्स कर रहे हो या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रहे हो हम इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ऑफ आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिल जाता है आप अवेल कर लेते हैं After the payment of preference dividend at a fixed rate, the whole of remaining profits are available for equity shareholders. As a result, they may be paid a higher rate of dividend. देखो सबको payment करने के बाद preference की भी dividend दे दी आपने जो भी आपका fixed rate of return था उसके बाद जो भी profits बचेंगे वो सारे के सारे profits available होते हैं for the equity shareholders. होल्डर्स और रिजल्ट क्या होता है कंसिक्वेंटली कई बार इनको हायर रेट ऑफ डिविडेंड्स भी मिल जाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट्स बचने पर नेक्स्ट आता है नॉट बाउंड टू पे डिविडेंड ऑल दो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स बट देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे डिविडेंड एवरी ईयर देखो ठीक है हम ये बोलते हैं कि इनका जो डिविडेंट का रेट है वो फिक्स होता है ठीक है इनको लॉस नहीं उठाना पड़ता बट कहीं ना कहीं आप ये भी देखो ना कि इनको मतलब कंपनी को बाउंड नहीं होना होता इस कंपनी बाउंड नहीं होती है कि इनको डिविडेंड पे करना ही करना है मतलब अगर कोई नहीं भी कभी किसी ईयर करेंगी तो उनके ऊपर एज सच कोई पेनल्टी नहीं इंपोज की जाती इवन इफ द कंपनी हैज एडिक्वेट प्रॉफिट्स द मैनेजमेंट में डिसाइड टू री इन्वेस्ट होल ऑफ दीज प्रॉफिट्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट फोर्स द कंपनी टू पे द डिविडेंट्स और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कंपनी के पास बहुत अच्छे सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल है प्रोफिट्स बट स्टिल वो उसे पे नहीं करती है एज अ डिविडेंट ठीक है और उस केस में आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते और ना ही वो लीगली एक्शन ले सकते हैं ठीक है नाउ सिक्स वन इज इंक्रीज इन बोरिंग कैपेसिटी सेंस प्रेफरेंस कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फर्म्स नेटवर्थ एंड शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज इज द क्रेडिट वर्धिनेस ऑफ द फॉर्म देखो जब भी आपकी कैपिटल ज्यादा होगी आपके बिजनेस में कैपिटल ज्यादा पड़ी होगी शेयर होल्डर फंड इंक्रीज दिखेगा तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को इंक्रीज कर रहे बोरो तो करना है कोई लोन देने हैं अगर आपको तो उसमें एक अच्छी इमेज क्रिएट कर देता है और जो सामने वाली पार्टी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखकर ऑन द बेसिस ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड आपको क्रेडिट प्रोवाइड करवा देते हैं ग्रांट कर देते हैं इजी टर्म्स में ठीक है नेक्स्ट आता है नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट क्या कहते हैं देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो डो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनके पास जनरली कोई भी वोटिंग राइट right नहीं होता है कि वो मैनेजमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस कर सके एक्सेप्ट इन द केस द डिविडेंड्स आर इन एरियर बट अगर उनके जो डिविडेंड्स है वो एरियर में चल रहे हैं तो उस केस में उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं एज सच They cannot interfere in the management and hence the control of equity shareholders on the company is preserved. और जब कोई और कोई पार्टी नहीं इन्वॉल्व हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजमेंट के इंटरफेरेंस में तो कहीं ना कहीं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल होता है वो एक परमानेंट होता है ठीक है वो प्रिजर्व रहेगा नेक्स्ट आता आपका कंपनी को क्या बेनिफिट है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर में देखो प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन बी रीपेड वेन एवर द कंपनी इज इन पोजेशन ऑफ सरप्लस फंडस अब जब भी कंपनी के पास अच्छे एफिशियट या हम बोल सकते हैं एडिकुएट प्रॉफिट्स होंगे तो वो क्या करेगी उसको रीपे कर देती है और उन मतलब एक तरह से वो फ्लेक्सीबल है ठीक है तो ये तो एडवांटेजेस थे आपके कि कंपनी को क्या बेनिफिट्स होते हैं जैसे आपका पॉपुलर है अमंग लेस एडवेंचरस इन्वेस्टर्स परमानेंट सोर्स ऑफ फंड होता है कंपनी को अपने एसेट्स को मोटकेज नहीं करना पड़ता ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट अवेल करती है कंपनी कंपनी बाउंड नहीं होती कभी भी इनको रीपेमेंट सॉरी डिविडेंड पे करने के लिए ठीक है बोरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और कंपनी में इनका कोई भी इंटरवेस नहीं होता इनकी मैनेजमेंट के अंदर ठीक है और फ्लेक्सिबिलिटी है ये कैपिटल स्ट्रक्चर अब आते हैं कि आपके इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं ठीक है फर्स्ट आता है आपका फिक्स रेट ऑफ इनकम देखो प्रेफरेंस को क्या एक फायदा है कि अगर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को बाय करा हुआ है तो उनको एक रेगुलर और फिक्स इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी ठीक है प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम टू द इन्वेस्टर्स सेकेंड वन इज प्रायर क्लेम ओवर द इनकम एंड द द कंपनी अगर कोई भी मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेटिंग हैं तो जो रेजिडअल इनकम है या जो आपके रेज्यूडल एसेट्स होते हैं ना उनके ऊपर भी प्रायर क्लेम कर सकते हैं ठीक है देखो इनकम जब कंपनी को इनकम हुई मतलब प्रॉफिट्स हुए तो डिविडेंड भी पहले इनको दिया जाएगा बेनिफिट है इक्विटी को देने से पहले और जब आपकी कंपनी लिक्विडेट होती है तो जो एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं अगर रेजिडअल एसेट्स बच जाते हैं तो उस टाइम पर भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है the preference shares have a prior claim on the company's income in the sense that the preference dividend must be paid in full before payment of any dividend on equity capital similarly in the event of liquidation the whole of preference capital must be paid before any amount is paid to the equity shareholders. नेक्स्ट आता है कि इनको वोटिंग राइट्स देखो जनरली या नॉर्मल तो हम ये देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैरी नो वोटिंग राइट्स बट दे कैन वोट ऑन मैटर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर राइट अगर ऐसा कोई मैटर है जो इनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर केस में इनके पास राइट right होता है कि वोटिंग्स कर सकते हैं ऑल्सो दे कैन वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशन इफ डिविडेंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अगर इनका जो डिविडेंड है दो या दो से ज्यादा सालों के लिए पेंडिंग है ठीक है आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है तो उन केस में ये जितने भी रेजोल्यूशन होंगे उसमें भी इनकी वोटिंग होती है नेक्स्ट आता है आपका बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन देखो अगर आपके प्रेफरेंश कन्वर्टेबल हैं तो आपके जो इन्वेस्टर्स या प्रेफरेंस शेयर्स के उनके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं चाहे तो फुली या फिर पार्शियली, या तो इक्विटी शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में ठीक है राइट टू पार्टिसिपेट इन द

I hope you like this video, thanks and have a wonderful day.